मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गत्ता फैक्ट्री छपड़ा मोड़ पर एक फोर व्हीलर गाड़ी ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक के टक्कर लग जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने दलपतपुर चौकी इंचार्ज अमित कुमार को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना देकर डेड बॉडी का पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चलें, मृतक युवक रामपुर निवासी है। वह अपने एक निजी रिश्तेदारी में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के एक गाँव में जा रहा था। गत्ता फैक्ट्री छपड़ा मोड़ पर पहुंचा ही था कि क्रॉस करते समय अचानक तेज रफ्तार से फोर व्हीलर स्टीम कार ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। फोर व्हीलर गाड़ी व चालक को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। कांकरे निवासी हैं, रामपुर। आपका कौन था वो जो मृतक है? भाई। क्या नाम था उनका? वीरू। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो? रामपुर। रामपुर। कौन कहाँ, कौन से निवासी, कहाँ के निवासी हैं? रामपुर के। कौन से मोहल्ले के? कृष्णा कॉलोनी। कृष्णा कॉलोनी के, सिविल लाइन। ठीक है। नाम आपका? मोहनलाल सैनी। अच्छा, एक्चुअली हादसा तो हुआ है, कैसे कैसे हुआ, कहाँ के रहने वाले थे वो? ये हादसा यहाँ छपर्रा मोड़ पे हुआ है, रामपुर रोड पे। ये कृष्णा कॉलोनी सिविल लाइन रामपुर के रहने वाले वीरपाल, पिता का नाम हरद्वारी लाल है जी। तो ये कहाँ पर आए थे? ये जगतपुर, अपनी बहन है इनकी, वहाँ पे जगतपुर और चमरपुरा धाम में साथ रिश्तेदारी में आए थे जी। अब ये वापिस जो है रामपुर जाने के लिए रोड के किनारे जो है चमरपुरा मोड़ पे, छपरा मोड़ पे खड़े थे रामपुर जाने के लिए जी। वहीं एक तेज़ रफ्तार जो है कार आई, इससे जो है टक्कर मार दी इसमें, तो मौके पे मौत हो गई। गंभीर चोटें लगी, साथ अस्पताल ले आते समय उनकी मौत हो गई। मौत हो गई। किस टाइम की घटना है ये? लगभग पौने डेढ़ पौने दो बजे। क्या नाम है मृतक का? वीरपाल सनोप हरद्वारी लाल। निवासी रामपुर। निवासी सिविल लाइन रामपुर।